बताइए मुकेश सहनी जी वीआईपी सुप्रीमो, उनके घर में घुस के हत्या हो जाए उनके पिताजी के, इससे भी घोर क्या हो सकता है? डेली हत्याएं, लूट, बलात्कार, डकैती, चोरी हो रही है, आप ग्राफ उठा के न देखिए। और जो दोषी हो उसको स्प्रेडी ट्रायल में चलाकर जल्द से सख्त कार्रवाई की जाए। एक जदयू के एक मुख्यमंत्री और दो डिप्टी उप मुख्यमंत्री भाजपा के, तो भी लोग सुरक्षित नहीं, क्या राज चला रहे हैं भाई? एकदम राज नहीं, लॉ एंड ऑर्डर चौपट है, इन लोगों को इस्तीफा दे देना चाहिए, राज इनसे संभलने वाला नहीं है। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज लाइव और दबाए बेल आइकन हमारे खबर सबसे पहले देखने के लिए। कि बिहार में लगातार जो है आपराधिक घटनाएं काफी बढ़ गए हैं, वही आपको बता दें कि वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी के पिता के निर्मम तरीके से हत्या हो गई है। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए पूर्व राजद प्रत्याशी हैदर आजाद जी हैं। कैसे देख रहे हैं लगातार जो है घटना पे घटना हो रहा है बिहार में, कैसे देखते हैं? बिहार में लॉ एंड ऑर्डर चौपट है, कोई जनमानस, आम जनमानस सुरक्षित नहीं है। अब बताइए मुकेश सहनी जी वीआईपी सुप्रीमो, उनके घर में घुस के हत्या हो जाए उनके पिताजी के, इससे भी घोर क्या हो सकता है? कौन सुरक्षित? कोई नहीं सुरक्षित है। डेली हत्याएं, लूट, बलात्कार, डकैती, चोरी हो रही है, आप ग्राफ उठा के न देखिए। लोग कहता था सुशासन, सुशासन, क्या चीज़ का सुशासन है भाई? डेली हत्याएं हो रही, कोई नहीं सुरक्षित है, आम जनमानस सुरक्षित नहीं है। एक जदयू के एक मुख्यमंत्री और दो डिप्टी उप मुख्यमंत्री भाजपा के, तो भी लोग सुरक्षित नहीं, क्या राज चला रहे हैं भाई? एकदम राज नहीं, लॉ एंड ऑर्डर चौपट है, इन लोगों को इस्तीफा दे देना चाहिए, राज इनसे संभलने वाला नहीं है। लगातार जो है पक्ष के जो नेता हैं, प्रवक्ता हैं, उनके द्वारा कहा जा रहा है कि इसमें कोई बचेगा नहीं। देखिए अभी जो हम लोग मांग करते हैं मुख्यमंत्री से, मांग करते हैं कि इसको सीबीआई से जांच किया जाए इस घटना को, और जो दोषी हो उसको स्प्रेडी ट्रायल में चलाकर जल्द से सख्त कार्रवाई की जाए और जल्दी उसकी न्याय मिले। क्या लग रहा है लगातार जो है ऐसी घटना घट रही है, तो इससे आने वाला समय में क्या रहेगा, कैसे देखते हैं? 2025 में तो सीधा जनता ले लिया है, ये लोग से राजपाट नहीं होने वाला है, वो में राजद की सरकार बनेगी, ये लोग से कहाँ चलने वाला, संभरने वाला, पूरा बिहार के जनता तेजस्वी यादव पर टिका हुआ। और मैं कहना चाहता हूँ कि जो मुकेश सहनी जी के पिताजी के हत्या हुई है, उनके आत्मा को शांति मिले और मुकेश सहनी जी को सांत्वना हो, हिम्मत मिले कि फिर से वो सभी लोगों को साथ लेकर चले। और हम मुख्यमंत्री से फिर मांग करेंगे दोबारा कि आप लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त कीजिए और इसको सीबीआई से जांच कराइए, स्पीडी ट्रायल में चलाइए। ऐसी घटना होती है तो आप लोग के लिए कितनी बड़ी चुनौती हो जाएगी क्षेत्र में घूमने पे? देखिए कोई आदमी सुरक्षित नहीं है, आदमी हम लोग भी जाते हैं न्योता पिहानी में, दिन दिन भर में, रात में कई बजे तक आते हैं, कोई आदमी का डर बना हुआ रहता है, जो स्थिति लगा हुआ है आदमी, तो जो समाज सेवा में आ गया तो शादी ब्याह सुख श्राद्ध सब में जाना है, लोग पूछता है तो कोई ठीक नहीं है टाइमिंग का, आदमी सुरक्षित नहीं है, भय का माहौल बना रहता है, इसलिए एकदम लॉ इन ऑर्डर चौपट है, इन लोगों से नहीं संभल रहा है, इस्तीफा दे, चुनाव कराए, मैदान में आए, अब तेजस्वी यादव राजद का ही सरकार बनेगा, तेजस्वी के हाथ में बागडोर जाएगा। लगातार ट्वीट तेजस्वी यादव कर रहे हैं, लगातार आपराधिक जो घटनाएं होती है उसको लेकर ट्वीट करते हैं, मगर इस पर कोई सरकार इस पर पहल नहीं करता है, कैसे देखते हैं? लोग नशा में चूर है, सत्ता के नशा में लोग चूर, इन लोगों से सत्ता संभल नहीं रहा। आप डेली के डेली देखिए ना, सोशल मीडिया से लेके अखबार में कितने हत्याएं, लूट, बलात्कार, डकैती हो रहा, क्या चीज का भाई शासन चला रहे हैं आप लोग? मुकेश जी के साथ हैं आप? मुकेश जी के साथ हैं हम लोग, उनके परिवार के साथ हैं, उनकी आत्मा, बाबूजी की आत्मा को शांति मिले और उनको हिम्मत प्रदान हो और सब लोग बिहार की जनता उनके साथ। देखिए लगातार जो है बिहार में अपराधी बेलगाम हो गए हुए हैं और लगातार जो है सुबह से ही यह खबर सामने आ रही थी कि मुकेश सहनी के घर पे जो है निर्मम तरीके से उनके पिताजी की हत्या हुई है, जिसके बाद से बिहार में भी काफ़ी सियासी तेज है। ऐसे में लगातार जो है सभी पार्टी के लोग दुख व्यक्त कर रहे हैं। वही इसी कड़ी में जो है मुजफ्फरपुर जिले के कांटी विधानसभा क्षेत्र से राजद पूर्व प्रत्याशी हैदर आजाद थे, इन्होंने साफ तौर पर कहा कि सीबीआई से जांच होनी चाहिए और इसमें जो दोषी है उस पर कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। ऐसी तमाम खबर अपडेट देखने के लिए प्रकाश लाइव के फेसबुक पेज पर बने रहे और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक खबर आपको मिलता रहे। तब तक लिया दीजिए, जय हिंद, जय बिहार।